हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये बर्गामॉट के बॉस का। मैंने इसे जेंटलमैन के साथ ख़रीदा था, इसे ही नहीं ख़रीदा था, इसका तीसरा जोड़ीदार है एम्प्रेल, उसको भी ख़रीदा था। तो दोनों की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दूँ, एम्प्रेल का बाद में कर दूँगा। प्राइस, एटमाइज़र सब सेम है, प्रेजेंटेशन तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मेन बात करेंगे स्मेल के बारे में, इसकी फ्रेगनेंस कैसी है उसके बारे में, और लॉन्जिविटी इसकी कितनी है। तो देखिए, स्मेल से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इनके तीनों परफ्यूम्स हैं ना, वो सिंथेटिक बहुत ज़्यादा कम फील होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है। जो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को इनमें, मतलब 700 की रेंज में परफ्यूम जितने भी आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिंथेटिक मिल जाते हैं, 100 में से 80% सिंथेटिक होते हैं, बट ये नहीं है बर्गामॉट के जितने भी परफ्यूम्स हैं, तो बहुत अच्छी बात लगी। अब बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको एक बर्गामॉट और ऑरेंज ब्लॉसम का बहुत अच्छा एक हिंट मिल जाता है। जैसे ही स्प्रे करते हो आपको ब्लास्ट मिलता है, एक टैंगी ऑरेंजी ब्लॉसम का नोट और बर्गामॉट का नोट मिल जाएगा। फिर जब ये धीरे धीरे सेटल होता है तो मेरे को लगता है जो ऑरेंज का नोट है ना, जो टैंगी सा नोट, वो मिडल नोट में भी आपको फील होगा। इन्होंने लिखा नहीं है बट वो फील होता है मिडल नोट पे। जैसे ही आप आ जाओगे आपको सेडारवुड की स्मेल मिल जाती है, जैस्मिन की स्मेल मिल जाती है, जो जेंटलमैन में भी मिलती है, बहुत अच्छी जैस्मिन की स्मेल मिलती है, और एक वुडी एसेंस जैसी स्मेल हमको मिल जाती है। तो मिडल नोट में आते आते ये सेडक्टिव टाइप की इसकी स्मेल हो जाती है। बॉस लिखा है, उतना बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर का तो नहीं है, बट एक सेडक्टिव टाइप में आ जाता है मिडल नोट पर आते ही। और जब ये धीरे धीरे सेटल होने लगता है तो लास्ट का आपको जो नोट है वो एम्बर का मिल जाता है, और ऊद इन्होंने मेंशन करा है, बट प्रॉपर ऊद की आपको फ्रेगनेंस नहीं मिलेगी। आपको ऊद की फ्रेगनेंस मिलती है बट सिंथेटिक वे में, हल्की मिलती है, हल्का हिंट मिलेगा सिंथेटिक वे में, मिलता है जैसे बहुत सारे परफ्यूम्स फ्रेंच एसेंस का ऊद, इन सबसे तो बेटर ऊद की इसमें हल्की सी एसेंस मिल जाती है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज में ऊद की स्मेल आपको मिल जाए, बट फिर भी इन्होंने हल्का सा एसेंस डाला है, वो फील होता है। और टोंका बीन के नोट्स बहुत अच्छे मिलते हैं लास्ट में जाते जाते, जैसे जेंटलमैन में मिले थे वैसे इसमें भी मिलते हैं। तो ये स्मेल मेरे को कैसे लगी, इनके नोट्स की प्रोफाइल वगैरह देखो, मैं अगर क्लियर कट बात बताऊं तो ओपनिंग से ही जो नोट्स रहते हैं वो मिडल नोट तक ओपनिंग वाले ही रहते हैं, और मिडल नोट पे आते आते ये सेडक्टिव टाइप का हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेडक्टिव नहीं है, जैसे ज़ारा का रिच वॉर्म एडिक्टिव है वैसा नहीं है, हल्का सा सेडक्टिव जैसी खुशबू होती है, बहुत प्यारी खुशबू है, खा जाने वाली खुशबू, ऐसी खुशबू लगती है इसकी। मतलब अगर मैं बोलूँ क्लियर कट, जेंटलमैन से ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लगा। टू बी फ्रैंक, उस टाइम उसका रिव्यू एक साथ मैं कर नहीं सकता था, तो अगर आप जेंटलमैन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा उसको अवॉइड करके, वो भी अच्छा है बट उससे बेटर मेरे को ये लगा, क्योंकि इसको अब मैंने यूज़ करा, उसके टाइम उसी को यूज़ कर रहा था तो तब मेरे को आइडिया था नहीं, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो मीडियोकर से थोड़ा सा हाई है, बॉस है बट उतना ज़्यादा लाउड नहीं है, बट उतना ज़्यादा भी मीडियम नहीं है। आपको 10 में से 7% 10 में से 7, मतलब 100 में से 70% ही प्रोजेक्ट कर देता है 10 से 12 स्प्रेज में। 1.5 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्शन करता है ये, मतलब 2 फीट प्लस ये प्रोजेक्ट कर देता है, जो बहुत अच्छी बात है। इसकी रेंज में जितने भी परफ्यूम्स आ रहे हैं वो इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करते नहीं, तो मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बोलूँगा अगर जेंटलमैन लेने की सोच रहे हो उसको अवॉइड करके आप ये ले लेना, क्योंकि मैंने तब बॉस ट्राई नहीं किया था तो अब किया है तो अभी बोल रहा हूँ। और लॉन्जिविटी की बात करूँ तो देखो, मेरे परफ्यूम जब मैंने लिए थे 1 महीने प्लस हो गए हैं, तो जो नए लेंगे जितने भी लेंगे उन्हें लॉन्जिविटी उतनी नहीं मिलेगी। मेरे को अभी 6 से 7 घंटा आराम से मिल जाती है स्किन पे, अगर मैं 12 स्प्रेज करता हूँ तो 10 स्प्रेज नहीं 12 स्प्रेज करता हूँ 6 घंटे मिल जाती है। कपड़ों पे 6 से 8 घंटे के बीच में, बट मैं कपड़ों पे ज़्यादा लगाना इसे पसंद करता हूँ, 8-10 स्प्रेज कपड़ों पे लगा के, क्योंकि स्किन इरिटेशंस वगैरह भी नहीं होती, तो ज़्यादा परफ्यूम्स वगैरह भी स्किन पे ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए अलग अलग, वो कहीं ना कहीं नुकसान तो करते ही हैं, एक अल्कोहल का ब्लास्ट है तो आप समझ सकते हैं। बट इस फ्रेगनेंस की बात करूँ, देखो आप इसको स्निफ भी करोगे ना तो आपको एक सेडक्टिव स्मेल का पता चल जाएगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी फ्रेगनेंस बनाई है इन्होंने। मेरे को जेंटलमैन से अगर पूछो तो 10 में से रेटिंग देनी हो तो जेंटलमैन को मैं दूंगा 10 में से 6 इसके अकॉर्डिंग, और मैं इसे 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बॉस मैं
पहले मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं कर रहा था। पहले मैंने जेंटलमैन को सोचा, मेरे को लगा सबसे बेस्ट वही होगा, बट हर बार मेरे साथ अपोजिट होता है। जो भी मैं परफ्यूम सबसे ज़्यादा सोचता हूँ, जैसे सिगार मैंने सोचा था वो अच्छा नहीं लगा निकला, विस्की स्मोक ज़्यादा अच्छा निकला, बट इसमें से मैंने इससे एक्सपेक्टेशन इससे भी नहीं रखी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा निकल गया। तो बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब इसको यूज़ करके, मैं यूज़ ही कर रहा था इसको 15 दिन से। तो आप ले सकते हैं, अगर आपको फिर भी डाउट हो तो 30 ml का आप ले सकते हैं, बट मैं इसे बहुत रिकमेंड करूँगा भाई। जेंटलमैन को अवॉइड कर सकते हैं, बॉस की तरफ जाइए। जो जैस्मिन के नोट्स उसमें स्वीट नोट्स मिलते हैं, इसमें भी मिल जाते हैं, बट इसमें वैनिला के, ये ज़्यादा स्वीट नहीं होता, थोड़ा मस्की और एम्बरी, इसमें एम्बरी आपको एसेंस फील होगा, और ऊद का भी जो एसेंस है वो हल्का फुल्का फील होगा। बट जो स्टार्टिंग का नोट है, मतलब जो ऑरेंज ब्लॉसम का जो और बर्गामॉट का जो नोट मिलता है, और लास्ट में ड्राई डाउन में टोंका बीन के जो नोट्स मिलते हैं ना, इसमें और जेंटलमैन में भी जो टोंका बीन के नोट्स हैं बहुत अच्छे इसमें डाले गए हैं, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत स्मेल है, इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग कोई परफ्यूम लेते हैं तो उसको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, मतलब एक दो दिन में उनको वो परफ्यूम बेकार लगने लग पड़ता है। जैसे किसी ने कमेंट भी किया था, मैं उनको बता दूँ, आप कोई भी परफ्यूम लेते हो उसकी फ्रेगनेंस को ग्रो अप होने दिया करो, उसको थोड़ा टाइम दो, महीने भर का टाइम दिया करो, उसको मैसिरेट करा करो, 8-10 स्प्रेज मार के उसको कबर्ड में पूरी कैप ना क्लोज करके, ऐसे कैप क्लोज करके एक महीने के लिए उसे मैसिरेट करो, उसके बाद उसकी स्मेल इन्हांस हो जाती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर किसी को मैसिरेट के बारे में जानना है तो वो परफ्यूम ज्ञान की वीडियो देख सकता है, उन भैया ने बहुत अच्छे से समझाया उस वीडियो में मैसिरेशन कैसे किया जाता है, तो आप वो लोग देख सकते हैं। वैसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, 8-10 स्प्रेज आपने एक बार कर लिया, मतलब ऐसा नहीं कि हवा में कर दो, कपड़ों पे करके ऐसे, पूरी कैप क्लोज भी नहीं करनी, आप खुला भी रख सकते हो, ऐसे करके कबर्ड में जाके रख दो, एक महीने बाद यूज़ करो। सच कह रहा हूँ, मतलब जो स्मेल होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और आप कोई परफ्यूम लेते हो तो उसको डायरेक्ट ऐसे स्प्रे करते ही मत स्मेल करो, थोड़ा टाइम दो, एक दो मिनट बाद उसको स्मेल किया करो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोई नया परफ्यूम ले रहे हो उसको टाइम दो, जैसे वॉरजोन को मैंने टाइम दिया एक महीना, अगर उसके बाद भी परफॉर्म नहीं करेगा वो सच में ही बेकार परफ्यूम होगा, उसका भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आज की वीडियो इतनी थी, इसके बारे में बताऊँ, बहुत अच्छा खूबसूरत फ्रेगनेंस है इसकी, ज़रूर लेना, मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। जेंटलमैन को आप अवॉइड कर देना, वो भी बहुत अच्छा परफ्यूम है, बट ये कंपैरिजन की बात हो रही है तो मैं इसको अभी टॉप पे रखूँगा। जो इसका इम्परल है उसका भी मैं रिव्यू बहुत जल्दी कर दूँगा, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हो, मतलब एक खुशी मिलती है कि नए नए, मतलब अभी भी बहुत सारे वीडियोज़ आनी है, नई नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ, पुरानी कुछ भी नहीं डालूँगा, मतलब और पुरानी भी होंगी, बट कुछ UAE के ब्रांड्स हैं उनकी भी रिव्यूज़ आने वाले हैं। एप्सिलॉन का भी वाइल्ड ब्लू है, उसका भी रिव्यू आ जाएगा, वॉरजोन का आना है, अफनान का आना है, तो मतलब अच्छे रिव्यूज़ मैं लेके बैठा हूँ कि अच्छी एक वीडियोज़ आपको दूँ। हाँ, सपोर्ट करते रहते हो तो एक मोटिवेशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। अगली वीडियो में मैं कुछ खास ही लेके आऊँगा, अच्छा परफ्यूम ही लेके आऊँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करना, थैंक यू।